वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आज आपके लिए क्या है, मुंबई पुणे हाईवे टच ही अपनी एक प्रॉपर्टी है। ये होगा इन फ्यूचर जो चौक स्टेशन आने वाला है अपने प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। पीछे ही आपको बस स्टॉप भी दिया गया है, यहाँ पे सामने ही आपको ऑटो स्टैंड भी है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो कनेक्टिविटी की बात किया जाए तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे अपने प्रोजेक्ट को लगकर ही आपको अगर गांव वगैरह जाना है या मुंबई साइड जाना है वो भी आपको नजदीक ही होगा। वीडियो जरा भी स्किप नहीं करना बिकॉज मैं आज आपको पूरा ही चीज बताने वाली हूँ, प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी, इधर का नेचर, प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ बताने वाली हूँ आपको। अभी चलते हैं चौक स्टेशन की ओर। ये जो रास्ता है वो चौक स्टेशन पर जाता है जो अपने प्रोजेक्ट से हार्डली 10-15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। अभी गाइस अपन पहुंच चुके हैं चौक स्टेशन के और मेरे पीछे आपको स्टेशन का बोर्ड दिख रहा होगा। ये स्टेशन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है अपने प्रोजेक्ट से। और इधर अभी फिलहाल तो मेल्स वगैरह रुकती है, एक्सप्रेस भी रुकती है, कर्जत पनवेल का जो काम चल रहा है लोकल के लिए वो भी कुछ ही टाइम पे रुकना स्टार्ट होने वाली है। तो अपने प्रोजेक्ट से हार्डली 10 मिनट लगता है वॉकिंग। अभी आगे बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की। ये है चौक स्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया था अपने प्रॉपर्टी से सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मेल और एक्सप्रेस रुकती है अभी, और अभी जो कर्जत पनवेल का ट्रेन स्टार्ट होने वाला है तो उसका जंक्शन अपने प्रॉपर्टी से होगा चौक स्टेशन। ये होगा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, और यहाँ से नवी मुंबई मुरबाड़ डैम, रसायनी MSID बेल्ट, हीरानंदानी फॉर्चून सिटी, गोदरेज सिटी, वाडवा सिटी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, CNG पंप, सारी ही चीज़ें नज़दीक है। ये है चौक का मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, सारी ही चीज़ें आपको मिलती है। चौक मार्केट भी अपने प्रोजेक्ट से हार्डली 5-10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, और जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट में सारी ही चीज़ें अवेलेबल है। ये है चौक का बहुत बड़ा मार्केट, यहाँ पे किसी भी चीज की कमी नहीं है। भाजी, ग्रोसरी स्टोर, किराना स्टोर सारे ही नजदीक है, मेडिकल, हॉस्पिटल, सब कुछ नजदीक है यहाँ से। और ये हार्डली अपने प्रोजेक्ट से 10 मिनट ही वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और अभी आगे बढ़ते अपने प्रोजेक्ट की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है, ये रास्ता अपने प्रोजेक्ट के और ही जाता है, चारों ओर ग्रीनरी से भरा हुआ। एक बार अगर आप आओगे तो आपको ये फॉर श्योर पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी हम पहुंच चुके अपने प्रोजेक्ट के और मेरे ही पीछे आपको बिल्डिंग का एलिवेशन दिख रहा होगा, वही अपना प्रोजेक्ट है। और अभी ये जो आपको लेक दिख रहा है अपने ही प्रोजेक्ट का लेक है। अपना जब पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तब ये लेक को भी अपन मॉडिफाई करेंगे और बाहर जो सीनियर सिटीजन एरिया वगैरह सब बनेगा यहाँ पर। और अपने प्रोजेक्ट में एक G+7 की बिल्डिंग है जो रेडी टू मूव इन है, और 2 G+13 की जो बनने वाली है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर एमिनिटीज की बात किया जाए तो अपने प्रोजेक्ट में क्लब हाउस दिया है, स्विमिंग पूल दिया है, जॉगिंग ट्रैक दिया है, सीनियर सिटीजन एरिया दिया गया है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, EV बैटरी चार्जिंग भी दिया गया है, और सोलर पैनल भी अपने प्रोजेक्ट में लगाए गए हैं सारे ही जगह पे। स्टील पार्किंग भी है, ओपन पार्किंग भी है, आपको जैसा चाहिए वैसा पार्किंग भी मिलेगा। शाम को आप अपने बच्चों को फैमिली के साथ यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये अभी जैसा दिख रहा है वैसा इन फ्यूचर नहीं होगा, जब अपनी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी यहाँ पे बहुत सुंदर सा सिटिंग एरिया वगैरह अच्छा बनेगा कि आप इधर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। जैसे कि आप देख रहे हो अपना प्रोजेक्ट MSRDC अप्रूव है, RERA रजिस्टर है, OC कुछ दिनों में आने ही वाला है, हाईवे टच अपनी प्रॉपर्टी है। पीछे ही मेरे बिल्डिंग का एलिवेशन आपको दिख रहा है, यही अपनी बिल्डिंग है जहां अभी आपको मैं फ्लैट दिखाने वाली हूँ। चले बढ़ते हैं फ्लैट की ओर। अभी हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मेरे ही पीछे आपको जो दिख रहा है वो क्लब हाउस का काम चल रहा है, वहीं पे पीछे स्विमिंग पूल का भी काम होने वाला है। यहाँ पे जो G+13 की एक बिल्डिंग है वो यहाँ पर आने वाली है, G+7 की अपनी रेडी टू मूव इन बिल्डिंग रेडी है। जैसे कि आप देख सकते हो काम बहुत अच्छे से चल रहा है और जल्दी से जल्द पजेशन भी इस बिल्डिंग का देने वाले हैं हम लोग। और अभी बढ़ते फ्लैट की ओर। यहाँ पर आपको 2 लिफ्ट, 2 स्टेयरकेस दिया गया है, पर फ्लोर 6 फ्लैट है जैसे कि आप देख सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं अपने एक्चुअल फ्लैट की ओर। 1 BHK का मास्टर बेडरूम वाला ये रॉ फ्लैट आपको मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हो जैसे कि स्पेशियस लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बाहर का जैसे कि देख सकते हो कितना सुंदर व्यू, पूरा सह्याद्री माउंटेन से भरा हुआ है,
हीरा नंदानी, गोदरेज, वाधवा, सारे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट से बहुत ही नजदीक है, फिर भी अपना कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सेम है उनके जैसा, फिर भी अपना प्राइस बहुत अच्छा है। यहाँ से सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग चौक स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी आपको 25 से 30 मिनट्स अवे है अपने प्रोजेक्ट से, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है अपने प्रोजेक्ट की, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी, सारे ही ब्रांडेड फिटिंग के साथ आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं किचन की ओर। ये होगा आपका किचन, एल प्लेटफॉर्म दिया है, ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म है, वॉल टू वॉल टाइल्स दी गई है, वेंटिलेशन की आपको विंडो भी दिया गया है, विंडो से भी आप बाहर का व्यू देख सकते हो कितना सुंदर है। और ये होगा आपका कॉमन वॉशरूम, यहाँ पर आपको सिंक दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम की ओर, ये होगा आपका बेडरूम, बेडरूम का भी स्पेस देख सकते हो कितना बड़ा स्पेस, एक बेड वार्डरोब रखने के बाद भी स्पेस बचेगा आपको। और यहाँ पर है आपका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, वेस्टर्न फिटिंग के साथ आएगा ये वॉशरूम आपको, सारे ही रूम से आपको बाहर का व्यू ऐसा ही सुंदर मिलेगा, सह्याद्री माउंटेन का व्यू हर जगह से आपको है। अगर आप नेचर लवर हो तो फॉर श्योर आपको ये फ्लैट ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगा हो, ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, जल्द से जल्द साइट विजिट कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे हम वीडियो डाल आपको नोटिफिकेशन आए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।